के इधर से एक कोड़ी साधु आ रहा है, इसकी पत्नी पकड़ता है, ये कंधे पर रख करके ला रही है, तो मानव साधु होते पीछे वो इतना वो साड़ली होती है क्या काल तरती है, कोड़ी शरीर साधु के शरीर से नहीं छूटा है, लेकिन विधि के विधान को कोई मेट नहीं सकता। दाखल आंधी का धोखा ऐसा आया कि वो शरीर मांडव नाम के साधु से छुप गया, और जैसे छुपो मांडव नाम के साधु को क्रोध, जब क्रोध आया कहा रे पापी पापा, मैं इतना बचा हूं लेकिन तूने अक्सर करके ही और अपना शरीर मेरे से छुआया है, तो मैं अब तुझे श्राप दिया, श्राप दिया। जवन करके आवे भान रे तेरे पट की मोती है में हाथ जोड़ रही हो और ऐसा बिल्कुल नहीं जो मुखारबंद से निकल गया और वो होके तो आज श्रोता बंधु मांडव नाम के साथ में इस बात को कहा है, वो तो कहकर के चले गए, लेकिन पत्रता रानी भी आसन लगा करके बैठ रही है, माला हाथ में लेनी है, क्या मैं सूर को नहीं उगले दूंगी तो मेरे पति की मौत हो कैसे जाए। पत्रता रानी थी, आसन लगा लिया है, एक महीने की रात हो गई, दिन नहीं निकला, सारे देवता त्राय त्राय करने लगे, सब देवतन ने कही कि भगवान कोई ना कोई तो चक्कर हुआ, अच्छा मंद लोक में अनसुई ये कैसी है, भाई के ध्यान चंद पूछे के क्या बात है, तो आप तीनों देवता ब्रह्मा विष्णु महेश और तीनों ही देवता इकट्ठे हुए और इकट्ठे है कि तीनों ही चले किनके ध्यान क्या भैया कोई जा
या मैया के पास पहुंच है माता। अब तुम देख रही हो, तुम्हें पता होगा कौन है ये पतिव्रता रानी। जो कि और ये एक महीने का रात हो गई है। तो उन्होंने इस बात को कहा कि देखो, कौशिक नाम के साधु की पत्नी है जिसका नाम है सांडली, उसको श्राप लगा होगा। और अगर जिस दिन उसने सूर उगा दिए, सूर निकला है, उसी दिन उसके पति की मौत हो गई, तो मैया कैसे करके चलोगा संकट में टमा। अनसुईया ने कही कि जब तक मेरे पति का हुक्म नहीं होगा तब तक मैं आने के लिए कदम नहीं रखूंगी। अत्र मुनि के पास पहुंचे तीनों देवता, निखानी करते क्या, चलो चले जाओ। अनसुईया कही तुम चलिए, का परेशानी, देवता आए तो संकट को मेटो। ये संसार बहुत दुखी है, एक महीने की रात हो गई है, दिन दिखाई नहीं दे रहा, चलो। तो आज अनसुईया तीनों देवता सारणी के पास में पहुंचे। तो तीनों देवता खिचर जाए पीछे जी, होते पतिव्रत धर्म में ताकत, कितनी बड़ी ताकत है कि ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों ही पीछे के हट रहे हैं कि भगवान इन्हें में ताकत है, क्यों करते हो भगवान का उत्तर है तो गुस्सा आ गई और जाके मौत निकल गई भैया जाओ। तो अनसुईया कहने मैया तुम्हें क्या कैसे करके मनाओ तो सही। अनसुईया ने कही बेटा सांडली माला को रख दे, तो ये पता है क्या अपने स्वार्थ के पीछे तू संसार में आग लगा रही है, दिन नहीं निकल रहा है, पूरा संसार त्राह त्राह कर रहा है, है? तू अपने फायदा के पीछे संसार है चुमार कर के मैया, मैं बिना पति के संग साथ में नहीं रह सकती, अगर मेरा पति नहीं होगा तो मैं जीवित नहीं रहूंगी। अनुसुईया दौड़ के आई, देवता सुन लो यो कह रही है कि बिना पति के जीवित ना रहूंगी। तीनों ने कही कि तुम मैया कैसे करके जी सूर्य हो गया और जी कह दे जाए कि बाबा पति की अनु है जा तो हम बहुत सुंदर सुशील योग्यवान और शरीर से ही सुंदर बना देंगे, वो कोर नहीं रहेगा उसके शरीर में। कही बेटा तुम्हारा पति जिंदा है जाओ, सुंदर बन जाओ, जो कोर है वो कोर नहीं रहेगा, ठीक है मैया तो रख लो। जाकर माला रखी और सूर उभे, उसी समय कौशिक ब्राह्मण का मृत्यु हो, जाकर कौशिक ब्राह्मण खत्म हुआ। इधर खत्म हुआ सारणी ने कहा मैया तेरे कहने से और मैंने इस माला को रखा, अब मेरे पति को जिता। तो तीनों देवता मिलकर के, जब तीनों देवताओं ने मिलकर के और मंत्र छोंके हैं, मंत्रों के अनुसार कौशिक ब्राह्मण जिंदा हुआ, जिंदे भय सुंदर हुए हैं, सुशील हुए हैं, कोई भी रहा सही। कई बेटा आराम से तुम रहो,
सांडगी बहुत खुश रह रही थी अपने पति के साथ में। इधर तीनों देवता और अनसुईया जाकर कुटिया पे पहुंचे। अनसुईया की पे अनसुईया ने कही कि अब तुम जाओ, क्या काम है वहां, अब तुम जाओ। तीनों देवतन ने कही मैया हम जब पृथ्वी पर आते हैं तो कुछ न कुछ देकर भी जाते हैं, कछु न कछु दे के। अनसुईया ने की मोटा की जरूरत ना है, जिस समय अनसुईया ने मना किया है तो तीनों देवता एकदम हावी। भैया हमारी मर्यादा थी, हम जब भी आते हैं मृत लोक में तो कुछ न कुछ देकर के जाते, तो तुम कुछ मांग रहे। अनसुईया ने की मांग तो रुकी, ऐसा मत करियो फिर मैं मांगू तो पीछे रूपा कचेरो खन्ना। भैया जो मांगो अभी पाइए देंगे।